हेलो एवरीवन, आज है हमारे पास वी कूल फ्री सोलो X3। ये मेरे पास लगभग 4 दिन पहले डिलीवर हो गया था, लेकिन मैंने माइक एक्सचेंज किया है तो मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया था, और तुम लोगों के कहने पर ही मैंने माइक चेंज किया है। तो आवाज़ कैसी आ रही है ये बात ज़रूर मुझे बताना, और ख़र्चा थोड़ा ज़्यादा हो गया इस माइक को लेने में, तो हो सकता है आगे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं इसका रिव्यू। तो भाई, ये है वी कूल फ्री सोलो X3 का बॉक्स। तो मैं पहले कुछ स्पेसिफिकेशंस पढ़ देता हूँ, जैसे कि 5.1 की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, बैटरी केस जो है इसका वो 400 mAh का है, और 20 से 30 फिट की रेंज है, ईयरबड्स के अंदर 50 mAh की बैटरी है, और स्टैंड बाई टाइम ये तो मतलब नहीं, म्यूज़िक प्ले टाइम 6 घंटे का, ये भी छोड़ो टॉक टाइम ठीक है, गेमिंग मोड आपको मिलता है, तो ये 60 मिलीसेकंड मिलता है। कुछ ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं लिखे हैं, और साइड में वही यहाँ पे बॉर्न टू गेम कॉपी कर दिया है, और लेट द गेम बिगिन। तो चलो ठीक है, लेट द गेम बिगिन, जल्दी से अनबॉक्सिंग हो ही जाए इसकी। तो ये है, यहाँ मिलते हैं आपको बड्स जो कि काफ़ी हैवी हैं लेकिन लाइट वेट हैं। अब बात करें अगर केस की, तो भाई केस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, आराम से हाथ में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी अंदर सेम टू सेम, लेकिन मुझे लिड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी। अगर बात करूँ मैं वोकल्स, बेस और ट्रबल कैसा है, तो भाई 13mm का टाइटेनियम ड्राइवर देखने मिलता है। ये कहीं भी नहीं लिखा है कि 13mm का है, लेकिन मैंने साउंड से आइडिया लगाया कैसे, BTG 1 और BTG 2 में जो साउंड है ना, वो 13mm जो टाइटेनियम ड्राइवर है सेम टू सेम वही साउंड है, वही बेस है और वही ट्रबल है। तो इन तीनों में ही फर्क करना नामुमकिन है, तीनों एग्जैक्ट बराबर हैं। तो साउंड के मामले में इन तीनों से बेहतर कोई नहीं है, और टाइटेनियम ड्राइवर की टक्कर भाई कॉपर या ग्रेफियन ड्राइवर नहीं ले सकता। तो ये नेक्स्ट लेवल होता है टाइटेनियम ड्राइवर, तो आप इसे साउंड के मामले में तो आँख बंद करके ले सकते हो। और जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं ना, उनको बता दूं, बेस बिल्कुल डीप एकदम, जितना सोचा होगा उससे ज़्यादा, ट्रबल बहुत ही ज़्यादा, और जो वोकल्स हैं बिल्कुल एकदम क्लियर सुनाई देते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं गाना भी सुना नहीं सकता, तो आप साउंड के मामले में बिल्कुल ले सकते हो आँख बंद करके। और जिस प्राइस पॉइंट पे ये मिल रहा है, उतने में टाइटेनियम ड्राइवर का कोई बड्स लॉन्च ही नहीं हुए हैं भाई, ये पहले ऐसे बड्स हैं, और मैंने फर्स्ट टाइम इनको यूज किया है वी कूल का कोई प्रोडक्ट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पहला ही इंप्रेशन इस कंपनी का मेरे ऊपर बहुत अच्छा आया। तो मैं यहां जल्दी से बड्स ऑन कर लेता हूं रख के, और ये काफी अच्छे लग रहे हैं। ठीक, और ये देखो इनका लुक, साइड से देख लो कैसा आता है, तो काफी अच्छा लुक है इनका, और यहां बंद भी हो जाते हैं, तो लॉक तो नहीं है, अच्छा खाली है थोड़ा, लेकिन लुक वाइज 1200 रुपये के हिसाब से डिज़ाइन में कोई कमी नहीं की गई है। अब बात करते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे 2 पेयर मिल जाते हैं सिलिकन टिप्स के, एक मिल जाती है USB-C टाइप चार्जिंग केबल, और यहाँ पे आपको वारंटी कार्ड देखने मिलता है। तो यहाँ पे कर लेना भाई रजिस्टर, और यहाँ मिलता है आपको एक मैनुअल देखने, जहाँ पे टच कंट्रोल्स वगैरह आपको सब देखने मिल जाएंगे। तो ये हैं टच कंट्रोल्स, तो मैं अब टच कंट्रोल्स नहीं बताया करूँगा, आप वीडियो पॉज करके यहाँ चुपचाप पढ़ लेना अब, क्योंकि टच कंट्रोल्स ऐड करता हूँ तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक और कार्ड निकला है वारंटी से रिलेटेड, तो आप लोग यहाँ पे वारंटी रजिस्टर कर लेना। राइट साइड में आपको देखने मिलता है USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट। अगर बात करूं मैं फिटमेंट की, तो ये मेरे कानों में कैसे फिट होते हैं, तो बिल्कुल बढ़िया फिट होते हैं, थोड़े से हैवी हैं, थोड़े डिज़ाइन जो थोड़ा हैवी है लेकिन लाइट वेट है, तो आप कितनी गर्दन इधर से उधर हिला लो ये गिरेंगे नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट फिट होते हैं, कहीं से भी आपको जगह खाली नहीं मिलेगी, आप रनिंग भी कर सकते हो, जॉगिंग भी कर सकते हो, जिम में भी यूज़ कर सकते हो, तो इतनी आसानी से ये नहीं गिरेंगे, फिटमेंट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अब हम जल्दी से कर लेते हैं इसका मैग्नेट टेस्ट, तो मैं हिलाता हूँ तो निकल तो नहीं रहे, ना ही कोई कच्ची कच्ची सी आवाज़ आ रही है, तो मैग्नेट होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। अब बात की जाए अगर ड्रॉप टेस्ट की, तो भाई मैं इसको काफ़ी ऊपर से गिराता हूँ, पहले टेबल पे गिरता है फिर नीचे जाता है, तो 2 बार कंटिन्यूस गिरने के बाद भी इसकी जो साउंड है वो सही आती है, लेफ्ट और राइट में से बिल्कुल बराबर आती है, आपको कहीं से भी महसूस नहीं होगा कि ये गिरने पर तुरंत टूट जाएंगे, तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी, तो गिरने के बाद भी ये पास होते हैं। अभी हम जल्दी से करने वाले हैं इसका पेयरिंग टेस्ट, और ये मैंने बाहर निकाल लिए, 1 2 3।
3, तो वही 3 थोड़ा डिले हो जाता है, तो पेयरिंग इनकी सुपर फास्ट है, 3 सेकंड में ये कनेक्ट हो जाते हैं और SBC कोडेक सपोर्ट करते हैं, AAC सपोर्ट नहीं करते। अब बात की जाए कि इसका कंप्यूटर के साथ कनेक्शन कैसा है या फिर मूवी देखते टाइम कैसी फीलिंग आती है, तो भाई मैं थोड़ा हिल के देख लेता हूँ इधर उधर कैसा है। तो जब मैं हिला था तो उस टाइम मुझे बीच बीच में साउंड का माइनर सा ब्रेक देखने मिला था। तो कंप्यूटर के साथ इसका कनेक्शन एकदम स्टेबल में नहीं बोल सकता, लेकिन ठीक ठाक है। तो आपको हल्का सा इरिटेशन देखने मिल सकता है, लेकिन ठीक है, इतने कम प्राइस पॉइंट पे इतने बढ़िया आपको TWS नहीं मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन जो मूवी के टाइम आपको सराउंडिंग साउंड सुनने मिलेगी वो बहुत बेहतरीन है, हर एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सुनाई देती है। तो अभी मैंने गेमिंग मोड ऑन कर दिया है, अब हम इसकी लेटेंसी चेक करेंगे। तो आवाज़ तो भाई तुरंत आ रही है, तो लेटेंसी काफ़ी अच्छी है, 60 मिलीसेकंड लिखी है लेकिन 55 के आसपास है, 55-50 के, तो काफ़ी अच्छी। अगर बात करूँ मैं कनेक्शन रेंज की, तो भाई जब मैंने छत पे चलना शुरू किया तब इसकी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही थी, कोई कनेक्शन ब्रेक नहीं था। इसलिए मैंने गोल गोल टर्न करना शुरू किया तब भी कनेक्शन ब्रेक नहीं हुआ। जब मैं थोड़ा दूर गया, काफ़ी दूर गया मतलब थोड़ा नहीं, तो पेड़ के पास मैं टर्न हुआ जहाँ बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे, तब जाके इसकी साउंड ब्रेक होना शुरू हुई। तो कंपनी के हिसाब से 20 से 30 फीट इसकी डिस्टेंस है, तो बिल्कुल सही मेंशन की गई है, एग्जैक्ट जैसा कि कंपनी ने बोला है, बिल्कुल सेम टू सेम रियल लाइफ में वैसी ही परफॉर्मेंस देता है। तो इसकी कनेक्शन रेंज 20 से 30 फीट ही है। हेलो हेलो, हाँ भाई आवाज कैसी आ रही है? नॉइस है काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा नॉइस है, बहुत ज्यादा। अच्छा, लेकिन अभी मैंने एक तो बात करी थी तो वो कह रहा था यार मिनिमम नॉइस, कोई कह रहा है इनको आ रही है, कोई कह रहा है इनको नहीं आ रही है, क्या फर्क हो सकता है? ईयरफोन तो नहीं लगाया? नहीं भाई, नॉइस आ रही है, नॉइस आ रही है, खर आ रही, खर 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 खर। अच्छा, और जो इको होती है वो? हाँ थोड़ा थोड़ा सा इको भी है। अच्छा ऐसा, मैंने अभी ना गेमिंग मोड ऑन कर लिया है, अब बताओ मेरी आवाज कैसी आ रही है? अब तेरी आवाज इको से आ रही है। अब बस इको हो रही है। फिर से बोल। हाँ और कुछ बोल। हाँ ये बताओ मेरी आवाज कैसी आ रही है? हाँ हल्की नॉइस, वो इको है, कैसे इको है बस। अच्छा, और नॉइस खत्म हो गई है? हाँ नॉइस खत्म हो गई है, काफी खत्म हो गई है। अच्छा, बस यही मैं पता करना चाहूँ। तो भाई जिसका डर था वही हुआ, सेम टू सेम जैसे VTG1 और BTG2 में गेमिंग मोड ऑन करने के बाद कॉलिंग थोड़ी सुधर जाती है, तो ये बग कॉलिंग का इसमें भी था और VCOOL फ्री सोलो X3 में भी सेम है, क्योंकि मुझे लग रहा है सेम ही ड्राइवर है, क्योंकि मैंने कहा था साउंड मैंने जब सुनी तो मुझे एग्जैक्ट सेम लगी, तो सेम टू सेम कॉपी ही किया गया है, बस ऊपर का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। तो भाई कॉलिंग के लिए मैं बिल्कुल इसको प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ एक छोटा सा खेल हो गया, वो क्या है कि भाई 1200 रुपये के प्राइस पॉइंट पे आप कॉलिंग वाले TWS सोच ही नहीं सकते, 1200 रुपये के अंडर में या उसके आसपास कोई भी ऐसा TWS है ही नहीं इस प्राइस रेंज में जो आपको कॉलिंग करा सके अच्छी, सब में ईगो आएगा, थोड़ा बहुत तो ईगो होता है। अगर बात करूँ मैं इनके बैटरी बैकअप की, तो भाई देखो एक बल्ड में 50 mAh की बैटरी है, तो दोनों में हो गई 100, ठीक है, और केस के अंदर है 400 mAh की बैटरी। तो कंपनी ने मेंशन किया है कि भाई ये 6 घंटे का बैटरी बैकअप देते हैं अगर बर्ड्स एक बार सिंगल चार्ज हैं तो। तो भाई मैंने भी रियल लाइफ में टेस्ट किया, यहाँ मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो स्क्रीनशॉट में 6 घंटा 2 मिनट चले भाई, ऐसी सच बोलने वाली कंपनी मैंने अभी तक नहीं देखी कि भाई एग्जैक्ट जितना लिखा उतना ही मिला है, कनेक्शन रेंज हो चाहे बैटरी बैकअप हो, मतलब एग्जैक्ट जो चीज़ प्रिंट की है बॉक्स पे वही देखने मिला है। तो 6 घंटे भाई बिल्कुल सही बात। अब बात की जाए कि भाई केस कितनी बार चार्ज कर देगा, तो भाई केस करेगा 3.5 बार चार्ज, कंपनी बोलती है कि 4 बार कर देगा, हो सकता है भाई 4 बार कर दे, लेकिन मैं अभी इस केस को फुल डिस्चार्ज नहीं कर पाया हूँ। अब बात करते हैं हिसिंग नॉइज या फिर साउंड लीकेज की, ठीक है, तो हिसिंग नॉइज बहुत माइनर से आती है, BTG1 और BTG2 में थोड़ी ज़्यादा आती है, इसमें उससे कम आती है, बहुत कम, अगर आप बहुत ध्यान से सुनोगे ना तब हिसिंग नॉइज़ बहुत माइनर से आएगी, बहुत ज़्यादा, और साउंड लीकेज बिल्कुल नहीं है।
इनमें तो भाई VTG 1 और VTG 2 में बहुत ज़्यादा साउंड लीकेज है, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं है। बाहर वाला पता ही नहीं लगा सकता कि आखिर कौन सा गाना बज रहा है। अच्छा, अब बात करेंगे हम हेलमेट की। भाई हेलमेट पहनने के बाद अगर हम अंदर बड्स पहनते हैं तो कैसा फिटमेंट है? तो भाई जब मैं अंदर गर्दन हिला रहा था, और इसका देखो जो बड्स का साइज़ है ना, वो थोड़ा बल्की है, ठीक है, थोड़ा मतलब बड़ा है, लेकिन लाइट वेट उतना नहीं है, फिट अच्छे से आता है। तो जब आप हेलमेट पहनोगे, अगर आपका हेलमेट फिट आता है आपको, तो ये ऐसा लगेगा थोड़ा हल्का सा गड़ रहे हैं, ठीक है। और अगर आपका हेलमेट लूज़ है काफ़ी, तो ये आपके दिक्कत नहीं देंगे। और रही बात साउंड की, तो साउंड प्रॉपर आती है, ब्रेक नहीं होती है। तो भाई सारे टेस्ट करते करते अब हम आ गए हैं फाइनल कंक्लूजन पे कि भाई कंक्लूजन क्या निकलता है। तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, भाई बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, गेमिंग अच्छी करा देता है, साउंड क्वालिटी ज़बरदस्त है, कोई भी मुकाबला नहीं किया जा सकता। 1200 या 1300 रुपये के बीच में ऐसी साउंड मिल ही नहीं सकती, ठीक। अब वही बात आती है कॉलिंग की। तो भाई कॉलिंग भी आपको नहीं मिल सकती यार 1300 रुपये में। आप सोच रहे हो मैं एकदम स्मूथ, कोई ये जो लिखते हैं ना AI एनेबल्ड और जाने क्या क्या भाई, नो ENC ANC, तो ये 1200-1300 रुपए में काम नहीं करते। ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए टैग चिपकाए जाते हैं। तो अगर 1200 से 1300 रुपए के बीच में ये है, तो ये एक्सेप्टेबल है, ऐसी ही कॉलिंग होगी। तो कोशिश करो कि अगर आप कॉलिंग कर रहे हो तो गेमिंग मोड ऑन कर लेना, तब करना। तो इस पॉइंट को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं, ये कंसीडर कर सकते हो, ठीक। आप इसे ले सकते हो, और अगर लेने जा रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं समझता हूँ अभी तक कोई भी वीडियो इस TWS का रिव्यू नहीं हुआ है, कोई भी किसी ने नहीं किया है। तो मैंने भी लगभग 300 यूनिट बिक गई थी तब ऑर्डर किया था, ठीक है। तो मैंने सोचा नहीं था कि सही निकल जाएगा। तो मुझे अच्छी लगी ये कंपनी, मैंने कोई पैसा नहीं खाया है, ना ही कोई पेट खोला है। कहोगे तो Amazon का स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा जिस पे मैंने ऑर्डर किया था। Amazon नहीं, Flipkart, ठीक है, Flipkart से मंगाया था मैंने ये। तो आप लोग इसे ले सकते हो, मेरा इस कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम नेक्स्ट वीडियो शायद लावा प्रोवरडेन या फिर नॉइस का 202 लॉन्च हो रहा है, या एक दो चीज़ों और लॉन्च हो रही हैं, तो उसका रिव्यू करेंगे और अपना सेगमेंट बदलेंगे, ठीक है। एक नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि TWS लॉन्च करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।